बेटा लास्ट क्लास में आप सभी बच्चों को याद होगा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट किया हुआ था। एक्सरसाइज 7.10 के बाद आज हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स को पढ़ने चल रहे हैं, जिनमें से आपको यहाँ पर 6 से 7 प्रॉपर्टीज पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वन बाई वन मैं उन्हें आपको बताता जाता हूँ और समझाता भी जाऊंगा, और उसके बाद उन्हें हम लोग प्रूव भी करेंगे उन सभी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टी वन जो डेफिनिट इंटीग्रल की है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है थोड़ा आप ध्यान से समझिए। इसमें ये हमारा इंटीग्रैंड है जिसे मुझे x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। अब हमने देखा कि अगर हमारे इंटीग्रैंड का अभी यहां पर वेरिएबल है x, लेकिन अगर हम अपने इंटीग्रैंड का वेरिएबल चेंज करके कुछ और कर देते हैं, x की जगह पर हम वेरिएबल t कर देते हैं, वेरिएबल u कर देते हैं, केवल वेरिएबल अगर मैं चेंज करता हूं, लिमिट चेंज नहीं करता हूं, फंक्शन भी वही रहेगा, केवल वेरिएबल चेंज करें, तो हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल चेंज हो जाने पर भी जो वैल्यू पहले आती थी वही वैल्यू अब भी आती है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे अगर यहां पर मैं देखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 1 to 3, ये एक अगर क्वेश्चन है तो इसमें केवल अगर मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूं, अगर मैं टी स्क्वेयर डी टी कर देता हूं फ्रॉम 1 to 3, तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी जो इसकी वैल्यू आती है। मींस कि किसी भी फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी फंक्शन का केवल वेरिएबल बदल देने से उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में भी आती रहती है, इसलिए दोनों आपस में बराबर बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे केवल हमने क्या बदला, वेरिएबल, लिमिट्स नहीं बदल रहे। तो केवल अगर आप वेरिएबल चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू में डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बोथ विल बी सेम, दोनों बराबर आएंगे। आप दोनों को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका सेम आंसर मिलेगा। हाँ, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन पहले सारी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे, इसके बाद हम उनको प्रूफ करेंगे वन बाय वन। अभी आप केवल देख लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या होगी डेफिनेट इंटीग्रल की, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू। इस प्रॉपर्टी में हमको ये सीखने का मौका मिलेगा कि अगर हम ये लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी है, अगर हम इनके जगहें बदल दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह पर लिख दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह पर लिख दें, और कुछ मत परिवर्तन करें, केवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में इंटरचेंज कर दें, तो हमने देखा हमारी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका साइन बदल जाता है, उसका निशान बदल जाता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए, तो वैल्यू तो बराबर रहती है बट साइन बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो यहां पर मुझे माइनस निशान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमको क्या सिखाती है कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप लोअर लिमिट को अपर और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं, उसकी जगह पर लिख सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर फॉर दिस एक्शन यू विल हैव टू चेंज द साइन ऑफ द फंक्शन, आपको इस फंक्शन का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको फंक्शन का साइन चेंज करना पड़ेगा, बस इतना सा है। वैल्यू दोनों की बराबर आएगी, इसलिए दोनों के बीच में इक्वल मार्क हमने लगा दिया है। प्रॉपर्टी नंबर थ्री। थर्ड प्रॉपर्टी
हमको जो बताई जाती है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, अभी मुझे इस फलन का ए से बी तक इंटीग्रेशन करना है। जैसे आपको याद होगा कि जब भी हम किसी फलन का ए से बी सीमाओं के बीच समाकलन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम इस फलन के नीचे एक्स एक्सिस तक ए से लेकर बी तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पे अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी पड़ता है, ए लोअर लिमिट बी अपर लिमिट, इनके बीच में अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट सी पड़ता है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखें, मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी। कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसे ये हमारे पास इधर की तरफ एक्स एक्सिस हमने ले ली, इधर की तरफ हमने वाई एक्सिस ले ली, या आप इसको वाई को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ऐसा, और इसमें कोई भी कर्व हमने मान लिया, ये एक कर्व है इस तरीके से, यहां पर x इज इक्वल टू ए है और यहां पर x इज इक्वल टू बी और ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व। तो जब हमने ये लिखा और यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट मिल गया मुझे c a और b के बीच में, तो जब हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, जब हमने ये लिखा इसका मतलब है इस वक्र के नीचे ए से बी तक का पूरा क्षेत्रफल, ये इसका मतलब है, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये एक्स है, इधर की तरफ एफ ऑफ एक्स है, वही कर्व हमने फिर से लिया, यहां पर ए है, यहां पर हमें सी दिखाई दे रहा था, तो इसका क्या मीनिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी मींस ए से इस फलन के नीचे एक्स एक्सिस तक का ए से सी के बीच का क्षेत्रफल, यहां पर सी है, ये है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फलन के नीचे एक्स अक्ष तक का ए से सी तक के बीच का क्षेत्रफल, ए से सी तक के बीच का क्षेत्रफल, ये इसका मतलब है, इसका मीनिंग इतना है, ठीक है। इसमें यहां पर भी है लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है, इसका क्या मीनिंग है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर ये वाई एक्सिस, ये वही फंक्शन है, यहां पर पॉइंट ए है, ये अपर लिमिट बी है और यहां पर सी है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है कि इस फलन के नीचे x एक्सिस तक c से b तक के बीच का एरिया, c से b तक के बीच का एरिया, ये इसका मतलब है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा थोड़ा सा कि इस कर्व के नीचे अगर मैं इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को दोनों का एरिया आपस में जोड़ दूंगा तो इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया ये आ जाएगा ना, तो आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है। अब अगर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया यानी कि इन दोनों के एरियाज हमने प्लस कर दिए तो इस हिस्से का क्षेत्रफल यहां से मिलेगा, इस हिस्से का क्षेत्रफल यहां से मिलेगा, दोनों जुड़ेंगे तो कर्व के नीचे पूरा ए से बी तक का एरिया हमारा आ जाएगा। तो मैं ये कर सकता हूं कि अगर एक फंक्शन है इसमें ए से बी तक मुझे इंटीग्रेट करना है और ए और बी के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट सी पड़ता है, बीच में उसके बिल्कुल मिड पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पर बीच में ऐसा पॉइंट सी पड़ता है तो आप उसे पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर लो, फिर आप उसे सी से बी तक इंटीग्रेट कर लो और दोनों को आपस में सम कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात किसको प्रूफ कैसे करेंगे,
तो मैंने अभी बोला कि मैं आपको वन बाई वन सब प्रूफ करके दिखाऊंगा, पहले अभी केवल आप प्रॉपर्टी सीख लीजिए बस। तो ये हमने पढ़ी प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको यह बताया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी के बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर फोर यहां पर हमने लिखा। आप देखिए क्या मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अंडर द लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फलन में, उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल हमारा एक्स है उसके स्थान पर हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल अगर मैं कर दूं, आप देखें ये लोअर लिमिट है ए, ये अपर लिमिट है बी, और ये एक्स इस हमारे फंक्शन का वेरिएबल है। तो अगर मैं अपने फंक्शन में जो भी हमारा यहां फंक्शन है उसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल जहां जहां पर हमारा फंक्शन है उसमें एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल अगर मैं लिख देता हूं तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही आती है जितनी उसकी वैल्यू पहले आती थी, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। मींस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाती है। फिर से एक बार मैं बता दूं क्या करने से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इस जो फलन है उसका वेरिएबल है एक्स, अगर मैं फलन में वेरिएबल एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल कर दूं, लिख देता हूं, तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू पे, उसके डेफिनेट इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम वैल्यू उसकी फिर भी मुझे मिलती रहती है। दिस इज द रीजन दैट देयर इज द इक्वालिटी, द साइन ऑफ इक्वालिटी इज वी आर यूजिंग हियर। सो दिस इज द प्रॉपर्टी फोर। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर फाइव। प्रॉपर्टी नंबर फाइव में क्या हमको पढ़ने को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी नंबर फाइव है बेटा वो प्रॉपर्टी नंबर फोर का ही एक स्पेशल कंडीशन है। कैसे स्पेशल कंडीशन है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, नो, ये यही चीज थी प्रॉपर्टी नंबर फोर। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना थोड़ा सा, कि यही बिल्कुल नक्शा है, मैंने किया कि लोअर लिमिट जो कि ए थी हम जीरो कर देते हैं, लोअर लिमिट को हम जीरो कर देते हैं, अपर लिमिट जो कि बी है उसको मैं ए कर देता हूं। तो इस बार लोअर लिमिट हो गई जीरो, अपर लिमिट हो गई ए। ऐसी सिचुएशन पे हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो हो गई, अपर लिमिट ए बन गई है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए, ये। सो प्रॉपर्टी नंबर फाइव इज द स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर फोर, वी कैन राइट हियर। प्रॉपर्टी फाइव इज द स्पेशल केस, या स्पेशल कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर फोर, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सिक्स पे, कि प्रॉपर्टी नंबर सिक्स पे क्या होगा। मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार और बता देता हूं आपको, ये तो आप समझ गए कि इसी का स्पेशल केस है। क्या करने से मिला, लोअर लिमिट हमने जीरो कर दी, अपर लिमिट हमने ए कर दी, तो ऐसी सिचुएशन पे ये मुझे प्रॉपर्टी मिली। लेकिन इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमारा जो भी फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में वेरिएबल एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देंगे, अपर लिमिट ए माइनस एक्स यानी कि वेरिएबल, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फिर से इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए पहली बात तो कंडीशन क्या है, लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए,
अपर लिमिट में ही कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा मिला तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, और यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे? यूज करने के लिए हमारे पास हमारे फंक्शन में जो भी वेरिएबल एक्स होगा उसको हटा देंगे, उसके स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देंगे। जहां जहां भी वेरिएबल एक्स होगा वहां अपर लिमिट माइनस एक्स नोट कर देंगे। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 5 ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 में बेटा आता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी होगी वो इस फॉर्मेट की प्रॉपर्टी होगी, इस फॉर्मेट में वो आपको मिलेगी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a, इसकी हमने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू निकाल के लाए तो इसकी वैल्यू आती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। फिर से प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a। अभी हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि यही वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू आती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स फ्रॉम 0 to a। तो ये इसका आंसर मिलता है। अब यहां पर दो कंडीशंस बेटा अप्लाई की जाती हैं। कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट हम ये लेते हैं कि इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर इसको इसमें दो कंडीशंस पॉसिबल हैं कि जब आप फंक्शन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखोगे तो दो संभावनाएं यहां पर हो सकती हैं। पहली संभावना यह हो सकती है कि यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाए, तब हमने अपने फंक्शन पे x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखा, x के स्थान पर अपर लिमिट 2a माइनस x लिखा फंक्शन में, और हमने देखा कि हमारे फंक्शन का मान f ऑफ x ही आ गया। ऐसी सिचुएशन पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखें, अगर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू भी f ऑफ x आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a है, अगर इसकी जगह पर f ऑफ x आ जाएगा तो यहां पर भी बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a। दोनों टर्म आपस में कैसे हो जाएंगे? सेम टर्म्स हो जाएंगे दोनों, और अगर दोनों टर्म्स आपस में सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a, उस समय इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब हमारे f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू अर्थात f ऑफ अपर लिमिट माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के बराबर होगी, तो ऐसा हो जाएगा। उस समय आप यहां पर भी यही लिख दोगे, फिर दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, ये जुड़ करके डबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है बेटा, कैसा हो सकता है? कंडीशन नंबर 2 देखिए। कंडीशन 2, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यदि f ऑफ 2a माइनस x हमने सॉल्व किया और वो आ गया माइनस f ऑफ x, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यदि f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, अगर ऐसा आ गया कभी कि हमने x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखा और जैसे ही इसको लिखा वैल्यू आ गई माइनस f ऑफ x,
ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो फिर यहां पर रखिए f of 2a minus x की जगह पर आप लिखेंगे minus f of x, तो minus f of x लिखेंगे, वो minus इस plus को minus कर देगा। अब ये भी integration of f of x dx from 0 to a, ये minus integration of f of x dx from 0 to a, दोनों टर्म सेम तो हो जाएंगे लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा फंक्शन है फ्रॉम 0 to 2a, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो उस समय इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो आप 6 देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके न सिर्फ आपके 12th एग्जामिनेशन में आते हैं, बल्कि इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं और इस तरीके के थोड़े थोड़े बदल बदल कर 4 ऑप्शंस देंगे और आपको उनमें से टिक करना रहेगा। तो मैं एक बार फिर से प्रॉपर्टी 6 को रिवाइज कर दूं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a की वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसा कभी फॉर्मेट का फंक्शन आपको मिलेगा तो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसमें हमने दो कंडीशन अप्लाई की कि अगर f of 2a minus x की वैल्यू f of x के बराबर होगी तो उस समय इसका जो मान होगा वो 2 into integration of f of x dx from 0 to a हो जाएगा, डबल, क्योंकि इसकी जगह पर जैसे मैं f of x लिखूंगा ये दोनों जुड़ के डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू f of 2a minus x की वैल्यू minus f of x के बराबर है तो उस सिचुएशन पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a की वैल्यू ये जीरो के बराबर हो जाएगी, इसका फंक्शन की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, पूरी इसका पूरा डिफरेंट इंटीग्रल ही जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 6 देखी। आप चाहे तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहां पर करके दिखा सकता हूं, आप ध्यान से देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π। ओके, हमने देखा कि यहां पर हमारा जो f ऑफ x है वो कितना है, वो है tan x, यहां पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर मैं x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिख देता हूं, अगर tan पाई माइनस x अगर मैं लिख देता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan पाई माइनस x हो जाएगा। अब tan पाई माइनस x की वैल्यू क्या होती है, tan पाई माइनस x की वैल्यू होती है माइनस tan x, ठीक है, पाई है तो रेशियो बदलेगा नहीं और पाई माइनस x है मींस दिस फंक्शन इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan x विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब माइनस लगाया, tan x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x। तो आपने क्या देखा कि आज हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जब मैं x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिख देता हूं तो उसकी वैल्यू माइनस f ऑफ x के बराबर आ जाती है। और अब आप ध्यान से देखें, यहां पर जब आपने x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखा था तो नेगेटिव आ गई थी वैल्यू, उस समय हमारे फंक्शन की वैल्यू, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कितना आएगा, जीरो। इट मींस सरली बिना किसी कैलकुलेशन के आप लिख सकते हैं देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 to π। सो विदाउट एनी कैलकुलेशन वी कैन राइट हियर दैट इट्स वैल्यू विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस x जब हमने लिखा तो उसकी वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है और ऐसी सिचुएशन पे हमारा ये जो इसका डिफरेंट इंटीग्रल आएगा वो जीरो आएगा। कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल जरा इस कंडीशन वन का भी देखिए, मैं एक एग्जांपल इसका भी आपको करके दिखाता हूं। एक एग्जांपल ये है हमारे पास साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π। ये एग्जांपल अब आप देखें, आप देखेंगे कि यहां पर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन है साइन एक्स। ओके, अब अगर इसमें मैं एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखता हूं, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस एक्स
तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन एक्स की जगह पर क्या है एफ ऑफ एक्स। तो हमने देखा बेटा कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है। ऐसे सिचुएशन पे हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स फ्रॉम जीरो टू पाई इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से देखें, टू तो हम आगे लिख देंगे, आप देखें टू तो हमने आगे लिख दिया, अब क्या करना है, लोअर लिमिट जीरो थी अभी भी जीरो रहेगी, यहां जो अंदर फंक्शन है वो फंक्शन भी वही रहेगा, देखिए चाहे वही फंक्शन है, डिफरेंस कहां पर आ गया है कि जो ये लोअर लिमिट अभी, जो ये अपर लिमिट अभी तक 2a थी, अब वो अपर लिमिट क्या बन गई, देखो a बन गई मींस इसका जस्ट हाफ यहां पर लिखना है, अगर ये 2a है तो इसे a लिखना पड़ेगा, अगर ये 4a है तो इसे 2a लिखना पड़ेगा, इसका जस्ट हाफ मुझे यहां करना पड़ेगा, तो इस समय हमारी अपर लिमिट तो पाई है, इसका जस्ट हाफ मुझे यहां लिखना पड़ेगा, हाफ लिखना पड़ेगा मींस वी शुड राइट हियर पाई बाई टू, द हाफ ऑफ पाई विल बी पाई बाई टू, ओके, सो दिस विल बी अवर आंसर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे, समझ आ रहा है सभी बच्चों को, तो ये जो हमने 6 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, इसकी दो अलग अलग कंडीशंस क्या हैं, उनके दोनों अलग अलग एग्जांपल, ये कंडीशन 2 का एग्जांपल है आपका, और ये प्रॉपर्टी 6 की कंडीशन 1 का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 7 मैं आपको बताता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 7 में होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी नंबर 7 का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, यहां फंक्शन है फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, लिमिट्स दोनों मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, बस ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 पर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है उसको भी हमको चेक करना है, देखना है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए। तो बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है जिसका ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, दिस विल हैव द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए, ये इसकी पूरी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल के आप प्लस कर देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 में ये एक जो आपको टर्म दिखाई दे रही है जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स आया हुआ है, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एक वैल्यू दिखाई दे रही है इसकी वजह से प्रॉपर्टी नंबर 7 पे भी हम दो कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं चलते हैं देखते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अर्थात किसी भी फंक्शन में एक्स के जगह पर नेगेटिव एक्स लिख देने से उसकी वैल्यू में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, या तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ जाएगी प्लस एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, और या तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। तो पहले मैं देखता हूं कि अगर मैंने फंक्शन में वेरिएबल एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दिया है,
फंक्शन में वेरिएबल x के स्थान पर, आप देखें वेरिएबल x के स्थान पर माइनस x लिख दिया, और ऐसा करने से हमारे फलन का मान प्लस f ऑफ x के बराबर आया। तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू प्लस a इज इक्वल टू, बेटा इसकी जगह पे f ऑफ माइनस x की जगह पर f ऑफ x यहां लिखेंगे आप, तो जब यहां पर f ऑफ x लिख देंगे तो अब आप चेक कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे तो जुड़ करके डबल हो जाएंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, ये उस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी। हाँ एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब किसी फंक्शन में x के स्थान पर माइनस x लिख दें और अगर उसकी वैल्यू प्लस f ऑफ x के बराबर आ जाए तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं सम फलन। सम फलन और विषम दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अर्थात f ऑफ x x का एक सम फलन है। अभी मैं सम फलन और विषम फलन आपको क्लियर कर दूंगा कि जब कभी फंक्शन में x के स्थान पर नेगेटिव x लिख देने से अगर फंक्शन की वैल्यू वही आ जाए और पॉजिटिव, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज अ इवन फंक्शन, एक सम फलन है, इवन फंक्शन है। ओके अच्छा, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर टू, कंडीशन सेकंड, उसमें हम क्या करेंगे, यदि f ऑफ माइनस x की वैल्यू f ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस f ऑफ x के बराबर आ जाए, कभी कभी हमने क्या किया, इस फलन में x के स्थान पर माइनस x लिखा और हमने सॉल्व किया तो देखा क्या, फंक्शन तो वही आ रहा है लेकिन फंक्शन का साइन चेंज हो गया और कुछ बदला नहीं, केवल निशान बाहर माइनस का आ गया। ऐसी सिचुएशन पे हम बोलते हैं कि जो फलन है वो x का विषम फलन है, अर्थात फलन f ऑफ x x का एक विषम फलन है। x का एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन उसको कहते हैं, ऑड फंक्शन है वो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, तो वैल्यू लिख के देखो, जहां f ऑफ माइनस एक्स है वहां पर माइनस f ऑफ x लिखिए, यहां f ऑफ माइनस एक्स है इसको हटाइए, माइनस f ऑफ x लिखिए, तो वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और यहां f ऑफ x आ जाएगा। अब जब आप देखेंगे तो ये टर्म दोनों सेम तो हो जाएंगे लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों पद सेम है, एक में निशान प्लस एक में निशान माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, और कैंसिल होके इसकी वैल्यू क्या दे देंगे इस बार, तब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू प्लस a विल बी इक्वल टू जीरो, उस समय उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर सेवन, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू प्लस a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम जीरो टू a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ माइनस x dx फ्रॉम जीरो टू a, ये इसकी वैल्यू है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड टर्म देर आर टू कंडीशन ऑल्सो, द फर्स्ट कंडीशन दैट इफ अवर फंक्शन f ऑफ x इज द इवन फंक्शन ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू प्लस a विल बी डबल टू द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, बट इफ अवर फंक्शन f ऑफ x इज द ऑड फंक्शन ऑफ x, then the value of integration of f of x dx from minus a to plus a will be zero. Okay? You should remember these all the things. सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं, odd और even function आपको clear कर देता हूं कि odd और even function क्या होते हैं।
देखें बेटा, इवन फंक्शंस किसे बोलते हैं? हम हिंदी में इन्हें बोलते हैं सम फलन। ठीक है, यदि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस f ऑफ एक्स हो जाए तो ऐसे फलन को हम सम फलन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, आप गौर से देखिए। एग्जांपल मेरे पास है, इफ देर इज अ फंक्शन f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ओके, एंड नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देन वॉट विल बी इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स का मतलब x के स्थान पर माइनस एक्स आपको लेना है, तो x के स्थान पर माइनस एक्स आपको लिखना है। जब x की जगह पर माइनस एक्स लिखा और उसके ऊपर स्क्वेयर तो लगाना पड़ेगा ना आपको, तो हमने स्क्वेयर लगा दिया। इस तरह से इसकी वैल्यू सॉल्व होके क्या आ गई, नेगेटिव का स्क्वेयर करेंगे पॉजिटिव आएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर। मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वेयर, देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस बिकॉज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आप देखें ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, सम फलन। तो एक्स स्क्वेयर एक्स का एक सम फलन है, अतः एक्स स्क्वेयर एक्स का एक सम फलन है। एक्स स्क्वेयर एक्स का एक सम फलन है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, यह एग्जांपल वन था। एग्जांपल टू देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है कॉस एक्स। आप देखें कॉस एक्स एक फंक्शन है, इस पे भी हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालने गए, तो एक्स की जगह पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स। मैंने लिखा कॉस नेगेटिव एक्स, और आप सभी स्टूडेंट्स को यह मालूम है कि कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है प्लस कॉस एक्स। आपकी पुरानी क्लासेस का जो आपका नॉलेज है वहां से मैंने इसे लिया। अब आप ध्यान से देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस व्हाट इज कॉस एक्स, कॉस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। नाउ अगेन यू कैन सी हियर दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, एंड व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट cos x is the even function of x. x का एक सम फलन है, ओके? तो ये एग्जाम्पल हुए सम फलन के, ये प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं क्योंकि अभी मुझे ऑड फंक्शन के बारे में आपको बताना है, तो मैं हटा देता हूं इसको। ऑड फंक्शन देखिए क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस जिन्हें आप विषम फलन कहते हैं, ऑड फंक्शंस। विषम फलन में क्या होता है कि यदि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन पे जो भी हमारा फंक्शन होगा उसे हम बोलेंगे कि ये x का विषम फलन है। जैसे अब एक आध एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल नंबर वन, अगर f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब होती या x की पावर में कोई भी ऑड नंबर लिखा होता, कोई विषम संख्या लिखी होती, उस सिचुएशन पे अगर मैं x के स्थान पर माइनस एक्स लिखता हूं, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू x की जगह माइनस एक्स लिखना है मुझे, तो मैंने x की जगह माइनस एक्स लिखा और उस पर क्यूब लगा दिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स क्यूब। अब x क्यूब की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं,
इसकी जगह तो मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगी। यही सिचुएशन आ गई बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे कि जो एक्स क्यूब है यह एक्स का एक विषम फलन है। एक्स क्यूब एक्स का एक विषम फलन है, एक्स क्यूब एक्स का एक विषम फलन है, ठीक है। तो ये विषम फलन है। ऐसे और भी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं। अब आप आई होप कि सम और विषम फलन का डिफरेंस अगर समझ गए होंगे तो एग्जांपल आप भी ढूंढ सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज में से हमने सारी प्रॉपर्टीज भी देखी, और लास्ट में जो लास्ट प्रॉपर्टी में एक इवन और ऑड फंक्शन यूज हो रहा था, उसके लिए मैंने आपको बताया दैट व्हाट इज द इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन, ओके। अब हमारा काम यह है कि हम उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन लेते चले जाते हैं और उन प्रॉपर्टीज को प्रूव करते चले जाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और वो प्रॉपर्टीज को कितनी आएगी ये नहीं है, हम उसको प्रूफ करते चले जाएंगे। तो चलिए एक आध प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं सर, मैं इसे ही रेज कर देता हूं, ओके। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी थी दैट वॉज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी, कि अगर आप केवल वेरिएबल चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आएंगी। अब कैसे ऐसा हो जाएगा इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अगर ये मान लिया जाए, हालांकि कोई पहली बार नहीं मान रहे हैं, इससे पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल माना कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रल हमने मान लिया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। अब जब इंटीग्रल हो गया तो लिमिट सप्लाई करना है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पहले एक्स की जगह वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट आप लिखेंगे, देन इट विल बिकम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दिस विल बी अवर आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी कैलकुलेट राइट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। अब यहां जो फंक्शन लिखा है उसका भी तो कोई ना कोई इंटीग्रल होगा। अगर हम ये मान लें कि स्मॉल एफ ऑफ टी का इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ टी है, तो ऐसी सिचुएशन पे फंक्शन तो वही है ना बेटा, केवल वेरिएबल ही तो चेंज है, तो इंटीग्रल भी वही रहेगा, केवल वेरिएबल चेंज रहेगा, बस इंटीग्रल वही कैपिटल एफ वेरिएबल चेंज फ्रॉम ए टू बी। अगेन यू हैव टू अप्लाई द लिमिट्स हियर, हाउ कैन यू अप्लाई द लिमिट्स, सो वेरी फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई अपर लिमिट इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल माइनस, उसके बाद इसी वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट आपको लिखना है। तो आप इसको करेंगे एफ ऑफ बी टी की जगह बी, फिर माइनस इसी टी की जगह पर ए लिख देंगे हम। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करने से वैल्यू क्या मिली, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने से वैल्यू क्या मिली, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देर इज देयर एनी चेंज, क्या कोई परिवर्तन है यहां पे? तो आप देखेंगे देर इज नो एनी चेंज, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो अवर प्रॉपर्टी इज करेक्ट। देयरफोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, सो वी हैव प्रूव्ड इट। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर टू। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी जगह पर प्रॉपर्टी नंबर टू को प्रूव करके देखते हैं कि क्या आएगा। प्रॉपर्टी नंबर टू में हमने किया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, ये हमने लिखा था प्रॉपर्टी नंबर टू में। अब इसको मुझे प्रूफ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए,
लेफ्ट हैंड साइड, ओके लेफ्ट हैंड साइड में इसका नोट करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, फिर से वही चीज कि अगर मैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल मान लेता हूं कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि यहां मुझे मानना पड़ रहा है जब आपके पास प्रॉपर कोई फंक्शन होगा तो उसका आपको आता होगा इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल अगर मैंने माना कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रल लिख दिया, अब लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप देखें, इसकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये तो आप सभी जानते हैं। अच्छा इसी में मैं थोड़े से परिवर्तन करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें, चेंजेस ये कि मैं इन दोनों से माइनस कॉमन करना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन कर लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा आप देखिए गौर से, माइनस कॉमन कर लिया तो अब ये टर्म निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स अब आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा। अब थोड़ा एक चीज गौर करके देखिए, अभी हमने इसको सॉल्व करके ये बनाया या इसको सॉल्व करके ये बनाया, तो मैं थोड़ा सा उल्टा आपको देखना है, यहां पर अगर कभी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखा है तो ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी, इसकी वैल्यू आती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो अगर मैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की जगह पर इसे लिख सकता हूं क्योंकि ये इसके बराबर है, तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं तो कभी ऐसी सिचुएशन आने पर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, तो जब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आए तो आप ऐसा लिखते हो, और आज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ रहा है, पहले कौन आता है अपर लिमिट, बाद में यहां पर कौन आता है लोअर लिमिट, इसका मतलब अब ये अपर लिमिट है और अब ये लोअर लिमिट है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं देखिए, ये नेगेटिव हम लगा देंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी, और अब आप देखिए यही चीज आ रही है बिल्कुल सेम, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है राइट हैंड साइड, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते करते हम कहां पहुंच गए, हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर टू थी और इसको भी हमने प्रूफ कर लिया है, आई होप कि इट्स वेरी इजी, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर थ्री को भी मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर थ्री पे है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, जहां ए और बी के बीच में सी कोई पॉइंट है, आप इंग्लिश अल्फाबेट पे मत जाइएगा कि ए और सी के बीच में बी आता है, आप तो ए और बी के बीच में सी लिए ले रहे हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये माना है कि ए और बी के बीच में कहीं पर एक पॉइंट सी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे इसको प्रूफ करना है बेटा, बहुत आसान है, इसे मैं राइट हैंड साइड से प्रूफ करता हूं, राइट हैंड साइड में नोट कर लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल सॉरी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल हम ऑलरेडी मान चुके हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हमने इसका इंटीग्रल लिख दिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इसमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेंगी फ्रॉम ए टू सी, प्लस इसका इंटीग्रल क्या होगा, वही फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल भी वही सेम होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम सी टू बी, ओके अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा,
पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस इसे x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, तो f ऑफ c माइनस कैपिटल f ऑफ a प्लस, ऐसे इस पे क्या करेंगे आप, इस पे आप करेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ c, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ये f ऑफ c और ये नेगेटिव f ऑफ c, दे विल बी कैंसल ईच अदर। अब यहां पर जो बचा ये बचा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब थोड़ा ध्यान से देखिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये इसी को सॉल्व करने से तो आया था, तो अगर इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं तो बेटा इसकी जगह पर हम पलट के ये भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं, मैं इसको लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, और आप गौर करके देखें, चेक करिए, यही आपकी इस प्रॉपर्टी नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड है, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से हमने थर्ड प्रॉपर्टी को भी आपने देखा प्रूफ कर लिया, और आज बेटा हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज तक ही रखते हैं, इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज होंगे हम उनको भी बहुत जल्द प्रूफ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।